इसको सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक मानते हैं हम लोग, बोलजानो वीरस्ट्रास थ्योरम। वीरस्ट्रास जर्मन मैथमेटिशियन थे। अब बोलजानो का काम आप लोगों को एमएससी में मेजर थ्योरी में और कई जगह दिखता है, बोरेल और बोलजानो कंटिन्यूटी में भी इनके थ्योरम्स हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी। ये दो अलग अलग लोगों के नाम हैं। तो बोलजानो वीरस्ट्रास साहब कहते क्या हैं, पहले ये समझना है कि इन्होंने कहा क्या है। आप में से कोई स्टूडेंट रिकॉल करना चाहेंगे? एन इनफाइनाइट, मतलब सेट फाइनाइट की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। इतने सी थ्योरम। अगर एक सेट है जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड, बाउंडेड समझते हैं जिसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिले, तो सही बताए तो थ्योरम मुझे कई बार लगता है कि ऐसी होनी चाहिए थी कि एन इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट तक तो ठीक है यहां तक, और हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, मतलब हैज ए लिमिट पॉइंट में कई लोग कंफ्यूज करते हैं यार, एट ही लिमिट पॉइंट आएगा क्या, दो आ गए तो मैं इसलिए कह रहा हूं एक इनफाइनाइट सेट हो और बाउंडेड भी हो तो उसमें ट्रम से ट्रम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसा कोई इनफाइनाइट सेट बताओ जो बाउंडेड हो। क्लोज इंटरवल 0 to 1 या क्लोज ओपन दोनों, हाँ ये बाउंडेड है क्योंकि कोई भी नंबर 0 से नीचे नहीं जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा और इनफाइनाइट सेट है। और अगर आपने इसका लिमिट पॉइंट वाला लेक्चर देखा ही होगा तो इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन पूरा क्लोज इंटरवल आ जाता है, तो उस पर दोबारा बातचीत की जरूरत नहीं। आप एक आध लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ उससे ज्यादा बड़ा लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। और आप ऐसे भी ले सकते हैं रेशनल स्ट्रा सेट, अब आप कहेंगे ये तो बाउंडेड नहीं है, तो हम ऐसा कर देते हैं, लो इसको एस मान लेते हैं, रेशनल्स और क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब 0 1 में सारे रेशनल, इसका ये मतलब हुआ। तो अब बताओ वो बाउंडेड सेट होगा या नहीं होगा, और इनफाइनाइट भी होगा तो लिमिट पॉइंट आएगा। तो सारे रेशनल में आप जानते ही हैं लिमिट पॉइंट सब आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं जो बीच में है, ये भी आप लोग जानते ही हैं, इसलिए इस पे भी बातचीत करना लिमिट पॉइंट के केस में ठीक है। जिन बच्चों ने सीक्वेंस पढ़ा है या पढ़ रहे हैं वो लोग सोचें, क्योंकि सीक्वेंस बच्चों हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है, तो सीक्वेंस का जो रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी, लेकिन सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सेट है, ध्यान रखिएगा। और अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस हो, तो कल हम लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा, इंटरेस्टिंग ऐसा पढ़ा था क्लास में, बीएससी फाइनल वाले कोई हैं तो मुझे बताना चाहेंगे क्या था सीक्वेंस? तब तक जब तक ये लोग सोचते हैं तब तक मैं आपको ये वाला सीक्वेंस ले देता हूं, 1/n, n नेचुरल नंबर है, इस सेट में सोचो, ये भी तो सेट के तौर पर लिख रहे हो, तो ये सेट बाउंडेड है, कोई भी एलिमेंट 1 से बड़ा नहीं 0 से छोटा नहीं, और जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही एलिमेंट आएंगे इसमें, तो ये इनफाइनाइट है तो इसका एक लिमिट पॉइंट 0 मिलता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे भाई बीएससी फाइनल का कोई स्टूडेंट नहीं है क्या जो 12th क्लास में थे? तो हेलो, टू 1 + 1/2 3
वन प्लस वन बाई थ्री, टू प्लस वन बाई थ्री, फोर, फोर प्लस वन बाई एन, वन बाई फोर, फोर प्लस टू बाई फोर, मतलब वन बाई टू ही हो गया, फोर प्लस थ्री बाई फोर, नहीं, वन बाई फोर। सीक्वेंस ढंग से नहीं बन पा रहा है। हाँ सर टू फिर 1 प्लस बाई 2, वन बाई टू, हाँ सीट, टू ठीक, प्लस 1 बाई 2, टू प्लस वन बाई टू, हाँ ठीक हो गया, आप वन सही प्लस हो। वन 1 प्लस 1 बाई 3, वन प्लस वन बाई थ्री, 2 प्लस 1 बाई 3, टू प्लस वन बाई थ्री, 3 प्लस 1 बाई 3, थ्री प्लस वन बाई थ्री, वेरी गुड, फिर 4 प्लस 1 बाई 4, हाँ ठीक हो गया। फोर प्लस, नहीं फोर नहीं, फाइव प्लस ना, 4 प्लस 1 बाई 4, फिर 4 प्लस 4, सर 4 प्लस 1, सॉरी सर, तो फाइव प्लस ही आएगा शायद। सिक्स प्लस वन बाई फोर, सेवन, ऐसा नहीं आएगा। आप फाइव इसमें प्लस वन देखिए बाई फाइव आना सीक्वेंस में चाहिए। ऐसा कोई पैटर्न बनाइए कि इसमें वन प्लस वन बाई टू है, वन वन प्लस प्लस, वन बाई फोर यहाँ पे, 4 प्लस 1 बाई 4 नहीं, 1 प्लस 1 बाई 4, फिर 2 प्लस 1 बाई, ठीक है, मैं नीचे वाला जो लिखना था वो ऊपर लिख देता हूँ। वन प्लस वन बाई फोर, टू प्लस वन बाई फोर, थ्री प्लस वन बाई फोर, फोर प्लस वन बाई फोर। फिर ऐसे ही बच्चों आप फाइव से शुरू करें, तो वन प्लस वन बाई फाइव, टू प्लस वन बाई फाइव, थ्री प्लस वन बाई फाइव, फोर प्लस वन बाई फाइव, फाइव प्लस वन बाई फाइव, एंड सो ऑन। आप सोचो मैंने बहुत सारे टर्म लिख दी, तो प्लीज अब आप ध्यान से देखिए इसमें, इस सीक्वेंस में वन प्लस वन बाई टू आ रहा है, वन प्लस वन बाई थ्री भी आ रहा है, वन प्लस वन बाई फोर भी है, वन प्लस वन बाई फाइव भी है, तो इसका एक सब सीक्वेंस कहाँ पे ट्रांवर्स करेगा, वन पे करेगा या नहीं? पे यस सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस वन बाई एन जो सीक्वेंस है वो ए पे कन्वर्ज करेगा। अब टू में सोचो, टू प्लस वन बाई टू, टू प्लस वन बाई थ्री, टू प्लस वन बाई फोर, टू प्लस वन बाई फाइव, तो अगला लिमिट पॉइंट इसका टू आ जाएगा, ये टू पे भी कन्वर्ज करेगा एट सब सीक्वेंस। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये थ्री पे भी आएगा, फोर पे भी आएगा, फाइव पे अच्छा भी मैम, आएगा, एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का मजेदार ये था कि इसके पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं, और बेसिकली लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया इसका। कल मैं दिन में इसको क्लास में पढ़ा रहा था, ऐसा एक सीक्वेंस एक इंसान ने बना दिया सोचा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो सीक्वेंस बन रहा है, धीरे धीरे गौर करिए, क्या ये बाउंडेड है? ये सीक्वेंस जो सर बन रहा है ये बाउंडेड सीक्वेंस है कि अनबाउंडेड होगा? अनबाउंडेड होगा सर, हाँ, फाइव भी आ गया, सिक्स भी आ गया, आगे पता नहीं कहां तक जाता रहेगा, कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा ना। यस सर, और हमारी बोलजानो तो विरस्टस थ्योरम क्या कहती है? सेट कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, एंड बाउंडेड तो लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट तो होता ये है। भी था, लेकिन क्योंकि फाइनाइट में तो लिमिट पॉइंट का मतलब ही नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट तो ये भी था लेकिन ये बाउंडेड नहीं था। तो इस हिसाब से अब ये बताइए, बोलजानो विरस्टस थ्योरम आपको जो कंडीशन देती है वो नेसेसरी कंडीशन देती है या सफिशियंट कंडीशन देती है, दोनों देती है? सफिशिएंट वेरी गुड, वो सफिशियंट कंडीशन प्रोवाइड करती है। देखो बच्चों,
जरूरी नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझो, जरूरी नहीं है कि कोई सेट बाउंडेड हो और इनफाइनाइट हो तभी लिमिट पॉइंट आएगा, क्योंकि हमने तो अनबाउंडेड में भी लिमिट पॉइंट ले आए। इसके अलावा आप ये देखिए, ये वाला रियल लाइन, पूरा रियल नंबर का सेट, भाई रियल नंबर के सेट में हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, ईच पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, ठीक है। क्या ये बाउंडेड सेट है रियल नंबर का सेट? नो सर, नहीं है। तो बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम थोड़ा ढीली ढाली कंडीशन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, वो ये नहीं कहते कि लिमिट पॉइंट के लिए हमारी थ्योरम जो कह रही है वो नेसेसरी कंडीशन है कि साहब ये सेटिस्फाई होगा तभी लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार अगर कोई सेट है वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है ना, तो ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि उसके बाद कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, किसी अच्छे एग्जाम के लिए अगर पूछा जाए, बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम प्रोवाइड्स, ऐसे लिखा जाए, नेसेसरी एज वेल एज सफिशियंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी बट सफिशियंट कंडीशन, नॉट सफिशियंट बट नेसेसरी, और नाइदर नेसेसरी ऑब्जेक्टिव सवाल नॉर सफिशियंट। किस पे टिक मारोगे भाई? सेकेंड, नॉट नेसेसरी बट सफिशिएंट। तो ये ध्यान रखना है, बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी लिमिट पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन अगर ये थ्योरम आपको सफिशियंट कंडीशन प्रोवाइड करती है, मतलब कोई सेट अगर बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई सेट, तो ये पर्याप्त है इतना, उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। फिर अगर ये नेसेसरी हो जाता है ना बच्चों ये थ्योरम, तो फिर जो इसको सेटिस्फाई करता वही फिर उसके पास ही लिमिट पॉइंट होता, औरों के पास नहीं होता, लेकिन हमारे पास है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, पहले तो थ्योरम को समझना, दो चार एग्जाम्पल समझना, और फिर ये समझना कि ये थ्योरम सफिशियंट कंडीशन प्रोवाइड करती है, नेसेसरी नहीं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने एलजेब्रा पढ़ी कई बार, ड्रुक थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, आपने हर जो पढ़ा, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी अ सब स्पेस ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। या सब ग्रुप में आपने पढ़ा होगा कि जी आपके पास कोई ग्रुप है और उसका एक सबसेट है, तो यहाँ भी द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। ऐसी कई जगह पढ़ी होंगी आपने, तो आपने पढ़ा होगा अधिकतर मामलों में नेसेसरी एंड सफिशियंट, आज आपने पढ़ा सफिशियंट बट नॉट नेसेसरी, अभी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, और ऐसे भी मिलेंगे नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशियंट। तो इसे रट नहीं सकते बच्चों, समझना है चीजों को, समझोगे तो एंजॉय करोगे बाद में। तो यार ये बताओ कि बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम से रिलेटेड मिनिमम इंफॉर्मेशन जो हो सकती है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी? तो सीक्वेंस हमेशा एक इनफाइनाइट सेट है, अगर वो बाउंडेड है तो बोल जानो वीरस्ट्रैस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो सफिशियंट कंडीशन दे सकता है। और इस बहाने मैंने आपको एक ऐसा सीक्वेंस भी बता दिया जिसके पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं, दो लिमिट पॉइंट, तीन लिमिट पॉइंट तो ठीक है, एक ही लिमिट पॉइंट। कोई ऐसा सीक्वेंस बता सकते हैं बीएससी फाइनल की क्लास में जो लोग कल थे उनके अलावा बताइए कोई और बच्चा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास एक भी लिमिट पॉइंट ना हो?
नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। वेरी गुड सर और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस -1 की पावर n। ऑसिलेटिंग कैसा? -1 की पावर n या फिर साइन साइन एक्स। वो ले लो ना एन स्क्वायर एन क्यूब डाइवर्जेंट टाइप के, तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, सिंपल। तो चलिए ये मेरे ख्याल से हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बोलजानोव-वेरस्ट्रैस थ्योरम हो गई है, नेक्स्ट है स्टीफन अबॉट। मैंने आप लोगों को कहा था, देखा भी था आपको पढ़ने को, उसमें एक बड़ा शानदार सवाल है। N1 आपको पता है क्या होता है? N मतलब मान लो 1 2 3, ठीक है। N2 टू से शुरू करते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। सॉल्व एग्जाम्पल है, आप लोग किताब खोलेंगे तो आपको दिखेगा। अधिकतर बच्चे सॉफ्ट कॉपी फटाफट डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने सिस्टम में और फिर एक दिन डिलीट मार देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते वो इसके अलावा, एंड सो ऑन। मतलब N1 1 से शुरू है, N2 ये है। तो आप ये बताइए, इसमें जो N1 है उसका सबसेट हुआ ना N2, और उसका यस सर। सबसेट N3 एंड सो ऑन, ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। अगर मैं इन सबका इंटरसेक्शन ले लूं I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ये आप लोग वहां देखिएगा, आज पहले चैप्टर या पहले दूसरे में ही मिल जाएगा अबाउट में। मैंने कराया भी था पिछली बार ये सब आप। अब आप कहेंगे ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ा रहा हूं एक्चुअली। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, और कई लोग इसको नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी बताते हैं। कई लोग ये बताते हैं इसको। मेरे पास एक सेट है, मान लो एक इंटरवल है, और I1 ले लिया मैंने, क्लोज इंटरवल a, b, ये हो गया। अब इसके अंदर एक दूसरा इंटरवल ले लेता हूं, पहला वाला I था, दूसरा वाला I1 ले लो अब, या पहले वाले को I1 ले लो या I2 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना यहां से यहां। तीसरा इसके अंदर लो, तो ये एक के अंदर एक घोंसला बनाने जैसा हुआ, ये I3 ले लो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ले रहा हूं। कैसे ले रहा हूं, ब्लॉर करिए, पैटर्न पकड़िए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। कैसे कि I1, I1 के अंदर I2, I2 के अंदर I3 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं IN, N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये नॉन एम्प्टी आएगा। और एग्जैक्टली कहूं तो ये एक सिंगलटन आएगा। रियल पढ़ाते हुए मैंने प्रूफ कराया था पिछली बार ये सब, रियल की और भी क्लास होंगी तो प्रूफ कराऊंगा भी। अभी जब पूरी एट फुर्सत से रियल पढ़ाने का मौका मिले, कम से कम 3 महीने मिले, तो मैं ये सब प्रूफ भी करा दूं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि यार लेफ्ट साइड में क्या हो गया होगा, क्या दिक्कत आई होगी लेफ्ट में। क्या N1 जो सबसे पहला सेट है बच्चों, क्या ये क्लोज सेट है? क्लोज से क्या समझते हैं आप यस लोग? सर।
कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। हाँ, वो जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे उसको क्लोज कहते हैं, ध्यान से समझना है। क्लोज सेट तो सभी हैं ये। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है। हाँ, क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है। अब आप इस पे आइए, दूसरे एग्जाम्पल पे। -1/n से +1/n, इसको SN ले लीजिए। ये बाउंडेड है, ये भी एक चेन बनाएंगे ना इस टाइप की। यस सर, यस सर, बाउंडेड। ये बाउंडेड है बच्चों, लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन थोड़ी देर पहले किया था, क्या आया था? एमटी आया था सर। एम्प्टी सेट आ गया था। तो यार इधर भी देखो और इधर भी देखो, मैंने दो एग्जाम्पल दिखाए, क्योंकि मैं प्रूफ टाइम टाइम टेकिंग है, तो मैं केवल बात समझा रहा हूं। एक क्लोज लिया तो बाउंडेड नहीं लिया, दूसरे में बाउंडेड लिए तो क्लोज नहीं लिए, तो ये आफत आ गई। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम या नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है अगर क्लोज और बाउंडेड इंटरवल का लिया जाए इस तरह से, तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा और एक्चुअल में वो एक सिंगलटन एलिमेंट आएगा। तो ये तीनों बातें किसी भी अच्छे इंटरव्यू में आपके लिए बहुत शानदार बातचीत हो जाएगी। टीचर को रियलाइज होगा यार इस बच्चे ने ना पढ़ी है चीजें, समझी है, खाली रटी नहीं है थ्योरम मशीन की तरह याद करके आ गए हैं। अभी मैं कॉम्पैक्ट पे नहीं जा रहा हूं, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से पहले से, वो लोग सोच सकते हैं कि अच्छा कॉम्पैक्ट की बात हो रही है। कॉम्पैक्ट सेट है जो नेस्टिंग हो रही है, नेस्टिंग का मतलब घोंसले की तरह, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो फिर ये कॉम्पैक्ट होने पे ज्यादा जनरल वर्ड कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट होगा बच्चों तो इंटरवल शब्द नहीं आएगा, क्योंकि वो जनरल मेट्रिक स्पेस या टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए होगा। तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम को दी, नीचे वाले को कम दी, क्योंकि इंटरवल सेंस केवल रियल एनालिसिस में ही तो आ सकता है, कॉम्प्लेक्स में कैसे लाओगे आप? या इन जनरल मेट्रिक या टोपोलॉजिकल स्पेस में इंटरवल कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी रियल एनालिसिस में ही शब्द यूज होगा, जबकि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम हर जगह लागू हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ऊपर वाला याद रखना, लेकिन नीचे वाला भी करना, क्या दिक्कत है? तो कैंटर का इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती है, आप लोग समझ पाए? इसके प्रूफ बहुत शानदार है बेटा, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनका सजेशन है, देखो किताबों में है, अबॉट ने बढ़िया प्रूफ किया है। किताब नहीं देखना चाहते हो यूट्यूब पे जाओ, मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले वहां सैकड़ों लोग हैं, किसी का भी लेक्चर देखो, लेकिन कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम को जरूर करो, उसको करना चाहिए। यहां तक क्लियर हो चुका है सभी लोगों को, तो मैं आगे बढ़ूं। ये सारे एग्जाम्पल आपको किताब में मिलेंगे, ये जो N1 N2 वाला है खाली रटना नहीं है, इसको प्रूफ करना है। अगर आप कोई ये नॉन एम्प्टी मानेंगे इस इंटरसेक्शन को, तो क्या हो जाएगा ये बताना है आपको, एम्प्टी ही क्यों माना? तो आदत डालिए, एक्सेप्ट मत करिए इतना आसानी से चीजों को, आप चैलेंज करिए, खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो किताबें आपकी मदद के लिए हैं, और उसके बाद एक्सेप्ट करिए इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना भी काफी है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक्सियोम ऑफ कंप्लीटनेस बता दी बच्चों, ये बता दिया ना, एक्सियोम ऑफ कंप्लीटनेस, बोल जानो बेरेस्टर्स थ्योरम, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, या नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, रियल में तो दोनों एक ही हो जाती हैं। कंप्लीटनेस का बताया था मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को, कि कोई भी अगर आपके पास रियल में ये सब सारी चीजें आर में कोई सेट है
एस जो आर का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, और एस इज बाउंडेड अबव, एस इज बाउंडेड अबव, तो फिर एस का लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस में ही लीस्ट अपर बाउंड मतलब बाउंडेड है, तो एक एक बाउंड मिला, उससे ऊपर के तो सारे ही बाउंड होंगे, ये तो श्योर है, लेकिन अपर बाउंड में इट्स स्मॉलेस्ट अपर बाउंड मिलेगा। यही कमी कॉम्प्लेक्स में है, वहां जो अपर बाउंड मिलता है वो जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन रियल में कोई दिक्कत नहीं है, रियल में मिलेगा आपको। सर रेशनल होगा कॉम्प्लेक्स। रेशनल का बेटा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं, आप एक बात समझिए, मेरे पास कोई सेट है एस, और इसमें मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं केवल, ऐसे रेशनल नंबर जो 2 से छोटे हैं, तो अगर इसका लीस्ट अपर बाउंड ढूंढूंगा तो वो √2 आ जाएगा। मतलब वो सारे रेशनल जो √2 से छोटे हैं, एक्चुअल में यही तो मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर 2 से छोटा है तो एक्स √2 से छोटा होगा। इसमें सारे रेशनल लिए हैं, लेकिन इन रेशनल नंबर की बदकिस्मती यह है कि इनका जो लीस्ट अपर बाउंड आया, सुप्रीमम आया, वो उनकी अपनी बिरादरी से नहीं आया, कहीं और से आ गया। एक्जियम ऑफ कंप्लीटनेस ये बताती है कि कोई सेट अपने आप में कंप्लीट है या नहीं। इसका मतलब भाई, इस सेट में जिस बिरादरी के एलिमेंट हैं, जिस कैटेगरी के एलिमेंट हैं, क्या सुप्रीमम और इन्फिमम भी उसी सेट से आए, उसी बिरादरी से आएंगे, या कहीं और से आने पड़ेंगे। तो रियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर का सेट कंप्लीट है, मतलब रियल में तो सभी रियल नंबर आ गए, आप समझ ही रहे हैं। रियल नंबर का सेट है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन रेशनल का सेट है तो उसमें लीस्ट अपर बाउंड रेशनल हो ये जरूरी नहीं है, तो रेशनल का सेट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीटनेस यहां पर इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और सीक्वेंस में ये बताएंगे कि हर क्रॉसिस सीक्वेंस अगर कन्वर्स कर रहा है तो वो कंप्लीट है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। वहां ऐसे दिखाते हैं फिर बाद में, मतलब क्रॉसिंग क्राइटेरियन से हम कंप्लीटनेस दिखाते हैं। तो सीक्वेंस तक आपको ये सारी चीजें हैं, एक आध चीज मैं भूल रहा हूं, ये सब बच्चों इक्विवेलेंट कंडीशन है, इक्विवेलेंट एक भूल रहा हूं मैं, सभी 5 कंडीशन है। एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस, बोलजानो वेरस्ट्रैस थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, क्रॉसिंग क्राइटेरियन, कुछ और था, स्टीफन अबॉट ने पूरा दे रखा है, आप उसको देखिएगा। और ये पांचों इक्विवेलेंट है, मतलब आप किसी को भी लें और बाकी 4 प्रूफ कर दें, तो ये सब समकक्ष हैं, ये सब एक ही चीज है। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी समझ में आई बच्चों? यस सर। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है, ठीक हो गया, सेट के एलिमेंट देख लो ध्यान से, वो भी देख लिया, ठीक है, उसके बाद आप सोचो कि यार इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, क्या वो भी इन्हीं में से कोई एक होगा, या वो कहीं और से लाना पड़ेगा। अगर उन्हीं में से है तो वो अपने आप में कंप्लीट है, वैसे ही लगता है सेंस, नहीं वो कहीं और से लाना पड़ेगा, जैसे रेशनल के साथ हो गया। ये प्रूफ करने लायक चीज है बेटा, ये भी आपको अवॉर्ड पढ़ोगे तो मिलेगा, आप प्रूफ करोगे कि रेशनल का है तो लीस्ट अपर बाउंड √2 कैसे आया, √2 से छोटा एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो √2 लीस्ट अपर बाउंड होगा, लेकिन √2 तो इस फैमिली में हो ही नहीं सकता, तो ये फैमिली इनकम्प्लीट है जिसके पास अपना लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। जब लीस्ट अपर बाउंड समझ में आ जाएगा तो यही काम नीचे ही तरफ करो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो भी वही बात है। तो उम्मीद है कि जो फाउंडेशन थी हमारी, जिसमें मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, एलिमेंट्री कंसेप्ट और कुछ थ्योरम्स, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आज यहीं तक रोकता हूं।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस के बारे में जल्दी जल्दी समझाऊंगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज।